नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में मासूमों के साथ दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला जीअनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 6 वर्षीय मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। मासूम घर से 1 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिली, जिसे महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जीअनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बीती रात घर में सो रही एक 6 वर्षीय बालिका को किसी अज्ञात शख्स ने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद वह बालिका से रेप की वारदात को अंजाम दिया और खून से लथपथ हाल में मासूम को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मासूम को देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बालिका को उपचार के लिए महिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद DIG और SP भी महिला चिकित्सालय पहुंचे और घटना की जानकारी ली। DIG ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। को अपनी माँ के लगे सोई थी, वही से उठा गई है, सुतल बच्चा ना साहब, इतना जानकारी है ऐसा साहब, बच्ची उठा के गई लिए यहाँ से आधा किलोमीटर दूर रोड पर नंगा अवस्था में मिल लिया। एक बात 100 नंबर पर काल भल साहब, तो वो हमन के ले जाके बताओ कि तुम्हारी बच्ची मिल गई है, तो हम साफ बच्ची के लेके यहाँ आए। बच्ची के साथ ना कुछ बताओ, बच्ची तो मान ला वो हालत में रहा, खाली कल कि हमके बाबा उठा ले गए केहू केहू, अब नाम ना बताओ सर, ना ही सर। एक जने मतलब ले गए ना, कई जने ना? नहीं, एक का जंग से बताओ, ठीक है, ये कई जानी हूँ। बच्ची के ले गए ना? गरीब करीब साहब ले गए हैं 12 बजे के सोते समय। नहीं नहीं, 12 बजे साहब बहू हमारे जाग कर बताओ कि हमारे लड़की ना आप अपनी माँ के पास हुई, वहीं से उठा के ले चल गई। जी सर। अब कई बजे मिला लिया? अब मिली है सर 1:30 बजे करीब। 1:30 बजे कहाँ मिला लिया? तिवारी पट्टी। सीमान में? जी, रोड है, मेन रोड है सर। थाना जीअनपुर का मामला है। बाद में लगभग 2 बजे रात को बच्ची वहाँ से 1 किलोमीटर दूर घर पर सड़क के किनारे किसी सुनसान घर पर मिली थी। इस क्रम में पुलिस को सूचना मिली, सूचना के क्रम में अभियोग पंजीकृत किया गया है और लड़की द्वारा बताए गए हुलिया के आधार पर संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। बहुत जल्दी पुलिस इस घटनाक्रम का वर्कआउट कर देगी। सर, रेप है कि गैंग रेप है, क्या इसमें? देखो, अभी जितना बात समझ में आ रही है, बच्ची का कहना है कि कोई उसका जानने वाला जिसको देखने पर पहचान लेगी, वो उसको वहाँ से उठा करके लेकर गया और वहाँ से उसे उस सुनसान कमरे में छोड़ दिया। अब क्या है तो मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही चीज़ें आएंगी। घर वालों ने किसी पे आशंका जताई हो सर? कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है। शक के आधार पर जिन लोगों को उन्होंने शक जाहिर किया है उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। लड़की का ये कहना है कि वो पहचान लेगी उस व्यक्ति को सामने आने पर, और उसने हुलिया भी बताया, तो इसलिए हम एश्योर्ड हैं कि बहुत जल्दी पुलिस वहाँ तक पहुँच जाएगी।